तो आज हम लोग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर, ये टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, केल्विन में करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर भी सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, वो भी अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर आते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है थर्मोमीटर? एक डिवाइस जो टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। हाँ, बेसिक टाइप का थर्मोमीटर कौन सा होता है मार्केट में अवेलेबल? सबसे बेसिक टाइप का जो थर्मोमीटर होता है वो होता है मरकरी थर्मोमीटर। कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है वो? प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मरकरी थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जब हीट की जाती है तो हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या मरकरी थर्मोमीटर के अलावा और भी कोई थर्मोमीटर होता है? जैसे पहला हो गया मरकरी थर्मोमीटर, एक होता है प्रेशर थर्मोमीटर, एक होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्रेशर थर्मोमीटर क्या होता है? ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो गैस का प्रेशर चेंज होता है, तो प्रेशर के चेंज से हम टेम्परेचर का चेंज पता लगा सकते हैं, इसे कहते हैं प्रेशर थर्मोमीटर। और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इस प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स की। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल तो हमने पढ़ रखा है, केल्विन स्केल होता है, और भी टाइप के स्केल्स होते हैं। ये मान लो हमने कोई नया स्केल बना लिया, तो इन स्केल्स को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है और एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? तो इनको आपस में कोरिलेट या कन्वर्ट करने का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, टी माइनस टी फ्रीजिंग टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग। टी एफ यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है उस स्केल का, टी बॉइलिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल, एन टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल। तो जैसे मान लो सेल्सियस के लिए लिखेंगे, तो अगर हम अलग अलग स्केल को कंपेयर करना चाहते हैं, टी फ्रीजिंग टी बॉइलिंग, तो डिग्री सेल्सियस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 0, बॉइलिंग हो जाता है 100। बता सकते हो फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? फ़ारेनहाइट पे 32, 212। केल्विन स्केल पे क्या होता है? 273, 373। तो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल आ गया, सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन स्केल पे 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो हमारा कोई प्रेशर थर्मामीटर हो तो उसके लिए हो जाएगा प्रेशर पी माइनस प्रेशर एट फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्रेशर एट फ्रीजिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो तो आर रेजिस्टेंस एट फ्रीजिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा कुल मिला के फॉर्मूला बनता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि मान लो आमतौर पे बचपन में हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन पढ़ी थी कन्वर्जन की,
तो वो कन्वर्जन के रिलेशन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता है तो आप इससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, बोलो। कितना हो जाएगा? 180। ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें पुट कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि मान लो हमें फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है और सेल्सियस में पूछी हुई है, तो फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि 100 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 100 पुट कर देंगे और सी की वैल्यू जो आएगी वो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, और वाइस वर्सा। सेल्सियस में कुछ दे रखा है और पूछा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमें कहें 50 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे इसको पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 50/100 ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट, बोलो। 122 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 122 फ़ारेनहाइट होता है। कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्राई करते हैं, मेंस में जो आए हुए हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक नया स्केल हमने बनाया है W। क्या बनाया है? W स्केल। तो इसमें क्या है कि जो वाटर का फ्रीजिंग है वो 39 डिग्री W के बराबर है और वाटर का बॉइलिंग है वो W स्केल पे 239 डिग्री W के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस है तो W स्केल पे वो वैल्यू कितनी होगी, W स्केल पे वैल्यू कितनी होगी। तो हमें दो स्केल को कंपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो सेल्सियस स्केल का बना लेंगे, सेल्सियस स्केल का तो ये हो जाता है, W स्केल का क्या होगा, W ऐसे W माइनस फ्रीजिंग इन W 39, बॉइलिंग इन W माइनस फ्रीजिंग इन W, ये क्या हो जाएगा 239 माइनस 39 क्या आ जाएगा 200। इसको भी हटा देते हैं तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2C इज इक्वल टू W माइनस 39। तो हमें क्या वैल्यू दी हुई है, हमें सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, 39। तो C की जगह हम पुट कर देते हैं 39, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 39। कितना हो जाएगा, बोलो अच्छी जल्दी बताओ वैल्यू बताओ। ये आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पर 10 ओम है, मतलब कि TF 10 ओम है और रेजिस्टेंस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे 15 ओम है। तो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे रेजिस्टेंस 12 ओम होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक काम करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इक्वेट करा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C/100 R माइनस फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पे रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10, बॉइलिंग पे कितना है 15,
और फिज बॉइलिंग पे कितने 15 और फ्रीजिंग पे कितने 10। तो ये वैल्यूज दे रखी है हमें, तो ये 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। ये कट जाएगा 5 को हम डिवाइड करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 20। इसको ऊपर भेज दें कितना आ जाएगा C इज इक्वल टू 20R-200। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, तो R की जगह हम क्या पुट कर देंगे 12। 20 × 12 - 200 कितना हो जाएगा बोलो, 20 × 12 240 - 200 40। तो क्या आ जाएगा 40°C। जब रेजिस्टेंस 12 ओम है तो टेम्परेचर है 40°C।